सुरुशील यस जागरूत हाय और ये है मिहिर ओके तो सुरुशील तेरे से स्टार्ट करते हैं अभी जो हम क्लाइम करके आए ऑफ रोडिंग का हाउ यू वाज एक्सपीरियंस अच्छा था लेकिन रॉन्ग गियरिंग की वजह से ट्रैक्शन बढ़ गया टायर में स्लिप हो गया उसके लिए एंड मोमेंट पे धक्का मारना पड़ा ओके जागरूक हमने जब स्टार्ट किया था तो तुझे ऐसा लगा था कि ये ऐसा होगा क्लाइम इतना टफ नहीं इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड वो ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी स्टीप हो गया और बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग था काफ़ी सारे बम्प्स थे रॉक्स थे वी एक्चुअली लूज सैंड तो ये रोड से ज्यादा डिफिकल्ट था या इट वाज हार्डर देन द रोड रोड के जो क्लाइम्स हमारे होते ब्रिज के वो बिल्कुल इसके सामने कुछ नहीं है ओके मिहिर तुमने गियर से गियर क्या सिलेक्ट किए थे पीछे वाला दो पे था ओके और ये दो और तीन बीच में कम किया था तो टायर जगह पे स्लिप मार रहा था तो मैंने बढ़ाया पर क्लाइम बहुत इंटेंसिव था मजा आया और मेरे पीछे है विकास विकास सिंगल गियर पे था विकास हाउ यू फेल्ट जितना हो सका उतना चलाया फिर उसके बाद चल गई नहीं बट तुमने जितना भी चलाया माइंड ब्लोइंग सिंगल गियर पे ये चढ़ा नामुमकिन है और गाइस मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ से हम डाउनहिल करके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्लोप हम करके आए ये इंक्लाइन जो करके आए वो कितना फास्ट स्लोप है अदर साइड पे और हमारे साथ नया राइडर है स्वप्निल हाउ यू फाइंड योर सेल्फ एग्जॉस्टिंग एट द मोमेंट बट आई एम ट्राइंग टू कीपिंग माई सेल्फ विथ योर स्पीड क्लाइम बहुत स्टीफ था मेरे पास गियर वाला साइकिल है बट फिर भी मेरे को स्टीफ लगा बट आई एम लर्निंग एट द मोमेंट सो लेट्स सी मे बी आई विल इंप्रूव इन द नेक्स्ट राइड श्योर स्वप्निल और हमारा मोटिव भी यही है कि बिगिनर्स को हम यहाँ पे लेके आए दे शुड ऑल्सो ट्रेन देमसेल्फ क्योंकि खाली साइकिल होना ज़रूरी नहीं है साइकिल होके उसका राइट आप यूज़ कैसे कर सकते हो राइट गियरिंग कैसे कर सकते हो ऐसे सारे ट्रेल पे आके ही आपको पता चलेगा तो यहाँ से हम नीचे भी जाएंगे मैं वो बाद में दिखाई दूंगा और अभी हम एक्सप्लोर करते हैं आगे का पूरा ट्रेल और दिखाते बहुत सारे सीनिक स्पॉट्स शायद ड्रोन शॉट भी ले ले लोग कितने अमेजिंग दिखते हैं वहाँ पे आप देख लो ऑफ रोडिंग पे सारी MTBs इट इज़ समथिंग लाइक वेरी नाइस फ्रेम चलो गाइस यहाँ से आगे जाते हैं लेट्स एक्सप्लोर सो राइट नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग दिस टेबल लैंड पूरा सारी ट्रेल्स के ऊपर और सीट पोस्ट की जो हाइट है वो आपको लो रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर कोई जोर का बम आपके बम पे लग गया तो आप सीधा OTP हो जाओगे साइड ये होता है टेक्निकल टेरेन बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप नहीं चला पा रहे हो तो अपने बड़ी राइडर को जगह दे दो फटाफट ट्रेल क्लियर कर देना वेरी गुड प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि आप कहीं रेस में हो यू आर एंजॉइंग तो दूसरे के एंजॉयमेंट में बीच में रुकावट नहीं डालते हो आप किसी किसी फ्रेम में आप नहीं होते हो बट आपकी साइकिल्स होती है फिर भी आपको प्राउड फील होता है कि ऐसे सारे नेचर का आपकी MTB एक पार्ट है आप फोटो में नहीं है तो भी चल जाएगा बट लुक एट दिस MTBs वाव व्हाट अ ऑसम फ्रेम और आगे आप देख ही सकते हो माउंटेंस यहाँ पे सूखा हुआ घास टिपिकल ट्रेल और एक MTB ऑफ रोडर को क्या चाहिए और गाइज दिस इज़ द MMO जर्सी न्यू जर्सी मुंबई MTB ऑफ रोडर थैंक्स जागरूक कि आज तू पहन के आ गया मुंबई MTB ऑफ रोडर जो कि ऐसे नेचर को रिप्रेजेंट करता है एंड प्रवीण होराइजन इज़ एसोसिएटेड विद सच अ वंडरफुल ग्रुप MTB ग्रुप बहुत अच्छा लगता है अमेजिंग प्लेस क्या खड़े खड़े गिर रहे हैं क्या MTB में से लोग MTB में से गिरते नहीं है बट खड़े खड़े गिर जाते हैं हम स्वप्निल से उसका एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं स्वप्निल की फर्स्ट राइड है हमारे साथ उसने बहुत अच्छे तरीके से खुद को पुश किया स्वप्निल कैसा लगा यहाँ पे आके हमारे साथ बहुत अच्छा था फर्स्ट टाइम ऐसे ऑफ रोड ट्रिल पे आया मैं
ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ मतलब जो क्या होती है एक्चुअल में, एक्चुअल उसका एक्सपीरियंस क्या होता है रियल लाइफ में, वो आज मुझे पता चल गया. एंड यू नीड अ लॉट ऑफ स्टैमिना, यू नीड स्ट्रेंथ, मसल स्टैमिना भी चाहिए. स्टैमिना के सिवा तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाओगे. तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और मैं अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं और ज़्यादा इनके साथ राइड्स करूँ ताकि मैं मेरा स्टैमिना और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ा सकूँ. थैंक यू स्वप्निल फॉर सच अ वंडरफुल फीडबैक. और ये देखो यहाँ पे आके फोटो ना निकाला जाए तो क्या है, वाओ नाइस. सो गाइज अभी आपने ड्रोन शॉट देखे, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है. और यहाँ से जो व्यू है इट इज़ ऑलमोस्ट, मतलब मैं बताता हूँ यहाँ से गोराई जेटी भी दिख जाती है, कांदिवली मीरा रोड सारा व्यू आ जाता है. मैं थोड़ा सा हैंडल बार यहाँ पे घुमा लेता हूँ साइकिल का. सो दिस इज़ द प्लेस राइट नाउ वी आर एट. एंड जो ड्रोन शॉट देखे थे वो यहीं के थे, अमेजिंग ड्रोन शॉट. और यहाँ से हम फिर से अभी डाउन हिल होते हुए जाएंगे और तब मैं मेरा कैमरा ऑन रखूँगा. और हमारे पास आज एक स्कॉट MTBA, स्कॉट आस्पेक्ट 740, एक ट्रेक है. ट्रेक कौन सा है? एक्स कैलिबर सिक्स. दूसरा GT है. GT का कौन सा है? GT काराकोरम. और एक बिटवीन का सिंगल गियर हाइब्रिड साइकिल भी है हमारे साथ. बट ठीक है, टायर थोड़ा सा है जाड़ा तो चल जाता है ये ऑफ रोडिंग पे. और कोई सा, और तुम्हारा कौन सा है स्वप्निल? मेरा लोकल है, लोकल MTB है. बट MTB होना ज्यादा जरूरी है, लोकल हो या कैसे भी हो. तो दिस इज द टेरेन, टेक्निकल टेरेन. आप देख सकते हो पूरा रॉक गार्डन है. रॉक गार्डन के बीच में से साइकिल चलाते हुए दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग ट्रेल ढूंढते हुए. अभी पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ से ऊपर आए थे, बट लेट्स सी. गाइस आगे जाना, यहाँ से मेरे आगे जाना. यस, ये गया विकास. कौन जा रहा है भाई? समथिंग की क्लोज एनकाउंटर हो जाता है. आपके अगर स्पीड पे कंट्रोल नहीं है तो साइकिल आगे डीप में जा सकती है, जहाँ पे ट्रेल एज भी होता है. सो बी केयरफुल. सो गाइज हियर वी हैव मेड वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि अभी तो ये सारा ट्रेल हम एक्सप्लोर कर रहे थे एंड राइट नाउ इट इज़ अ इवनिंग 5:30. तो सभी ग्रुप ने एक डिसीजन लिया है कि भाई कभी मॉर्निंग में आते हैं और ये ट्रेल एक्सप्लोर करते हैं. और मैं एडवाइस करूंगा कि कभी कभी छोटे छोटे डिसीजंस भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे अगर अंधेरा हो जाता है सो इट इज़ वेरी मच रिस्की, डेंजरस, क्योंकि अननोन ट्रेल पे होते हो. दो यू आर इन यूर लोकेशन बट इंटीरियर्स आपको पता नहीं होते, यहाँ पे पूरा गांव एरिया ही है. सो इट इज़ बेटर कि एडवेंचर के साथ साथ
अपना माइंड भी सेट होना चाहिए कहाँ तक अपने को स्ट्रेच करना है, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। इंजॉय करते करते रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ लेनी चाहिए। सो नाइस मीर एंड थैंक्स विकास कि हमने जॉइंटली डिसीजन लिया कि यहाँ से रिटर्न जाएंगे। फेंसिंग भी है तो थोड़ा किसी के प्रॉपर्टी से हम जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना जब भी फेंसिंग आता है तब। ओके, दिस इज द लास्ट क्लिप ऑफ दिस व्लॉग या सेशन या जो भी बोलो MTB राइड का, और यहाँ से हम फास्ट डाउनहिल करते हुए जाएंगे। लेट्स सी गाइस, आर यू रेडी? यस। ओके चलो, जोश देखो कितना है कि इतना पंपअप हो गया सारा ट्रेल पे चला के, तो अभी यहाँ से हम नीचे डाउनहिल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मेरे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे, वो भी देख लेना ताकि आपको पता चलेगा कि ये साइकिलिंग कल्चर होता क्या, खास करके ऑफ रोडिंग कल्चर। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और गाइस मैं इंसिस्ट करूँगा कि वो बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहेगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। बहुत सारे हमारे मेंबर्स भी हैं, उनको भी आप देख पाओगे, उनका एडवेंचर देख पाओगे। सो यस, इसी के साथ स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू साइकिलिंग होराइजन्स। आप मेरे प्रवीण होराइजन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय ग्रुप। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट राइड पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय।